तो गाइस आफ्टर कवरिंग हडिंबा माता टेंपल और ओल्ड मनाली एंड मनोज मंदिर, नाउ इट्स टाइम टू गोइंग सोलंग वैली। 2 बजे बस जाएगी, 5 बजे वापस आएगी। नाउ आई एम रेडी टू मूव। बाय बाय, मिलते हैं सोलंग वैली। सोलंग वैली 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहाँ से मैं सोचा देख के चलती हूँ जो भी है। कुछ इस तरह का व्यू, व्यू तो उसमें वो सामने पहाड़ों पे गिरी है बर्फ। यहाँ से जाऊंगी मैं पैदल 1 किलोमीटर। ये सारा ही ये है यहाँ का सोलंग गांव, दिस वन। अच्छा चलते हैं आगे, कुछ इस तरह का व्यू। यहाँ कुछ भी खा सकते हैं, फास्ट फूड लाइक व्हाट एवर यू वांट टू इट, सो यू कैन फॉलो। 3 किलोमीटर क्या बता रहा है। लग रहा है काफी नीचे उतर गई मैं इसके चक्कर में, हटा नहीं हो। बढ़िया, टेंट वगैरह तो ऊपर ही लगे हैं सब कुछ। काफी नीचे उतर गई मैं शायद। ये मोटर कार भी चला सकते हो आप, होम रेंट वॉट एवर यू वॉन्ट। अब तो आदत सी हो गई है पैदल चलने में, सीरियसली। ये आगे सड़क कहाँ जा रही? ये जाएगी सिसु, सिसु को जा रही मेन, ये रोहतांग सॉरी ये सोलंग का, यहाँ से शॉर्टकट ऊपर को। ठीक है, मैं तो सिसु पहुँच जाना था ऐसे वापस। इतनी भी क्या एक्साइटमेंट है भाई। बर्फ गिरी होती तो बात कुछ और होती है ना। चलो यानी हो जो भी है ओके है। एक साल पहले हम आए थे तब आधे रास्ते से मुड़ गए थे, बर्फ पड़ी थी, इतनी भीड़ जाम। बट नाउ अच्छा मौसम है, एबल टू वॉक अलाउन एंड
do whatever I want. वो देखिए मुझे थोड़ी सी बर्फ, ये मेरी किस्मत में इतनी बर्फ आई। इधर भी है थोड़ी जैसी, सोचा तो था पैराग्लाइडिंग का बट हालत से लग नहीं रहा है कर पाऊंगी, सो देखते हैं। वाह नाइस, ये सारा व्यू यहाँ का। एडवेंचर ही एडवेंचर, डू व्हाट एवर यू वांट। ये सब कुछ एडवेंचर में ही है। यहाँ पे सर ये सारा यहाँ पे मैडम ऐसा है कि हाँ जी कैसे जाते हैं रोड से होता है ऊपर को टेंपल है। अच्छा अच्छा शिव भगवान जा सकते ऊपर ना जा सकते एंट्रेंस रहता है से। अच्छा अच्छा सीधा ऊपर को फिर वापस भी ले आएंगे ना, ये घोड़े से भी जा सकते हैं और ये वाला बढ़िया है ना, इसमें और पैकेज रहते हैं कई किस्म। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। क्या पैकेज होगा इसका आइडिया मैडम? इसका मैं ड्राइवर आदमी। अच्छा अच्छा ठीक है जी सर, थैंक यू। शिव भगवान का मंदिर है ऊपर, बर्फ में तो हर कुछ ही होता होना इधर का, आई कैन इमेजिन। अपना पुलिस का स्टेशन भी है यहाँ पे, ये सारा इधर का व्यू कुछ इस तरह का। मेरे हिस्से में ये बर्फ आई जो सामने स्लाइडिंग पे हुई है ना, ये बर्फ मेरे हिस्से में अभी तक की। रोप लगे हैं ऊपर जाने के लिए, इफ यू वांट देन यू कैन गो। घोड़े से भी जा सकते हैं ऊपर, इनसे भी जा सकते हैं, रोपवे स्काई सेंटर पैराग्लाइडिंग पता नहीं कहाँ है। अब आई हूँ इतनी दूर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद कोशिश में क्या दिखाना शक्ल। तो यहाँ पे एक्चुअली गूगल पे चलता नहीं है, जिस कारण से ये कोई अजनबी थे जिनको मैंने गूगल पे किया और इनसे कैश लिया, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे था नहीं चला हुआ काउंटर पे, जिस कारण से इन दो अजनबियों को मैंने गूगल पे कर दिया और इनसे कैश लेके जो भी मुझको करना था उसके लिए मैंने टिकट ली। अब आप देखिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि इनके पास 20 रुपये खुले नहीं होते हैं, फिर काउंटर पे बात करके पता चलता है कि 500 दे दो, तब वैसे मैनेज कर दिया जाएगा। तो अभी ये बेचारे मेरे लिए पैसे ढूंढ रहे हैं तो पैसे ढूंढने के बाद 500 रुपया देते हैं ये, फिर उसके बाद इनको मैं गूगल पे करती हूँ और यहाँ से मुझे मिलती है टिकट। और इनको मैं अभी
पैसे वापस करके गूगल पे करके थैंक्स बोल के यहाँ से निकलती हूँ। और ये रही मेरी टिकट, नाउ चलते अब अगले पड़ाव के लिए। आगे ना निरंतर बढ़ते हुए मेरे कदम, ऊपर अकेले हो जाएगा ना। और ये मेरे को बताते हैं कि ऐसे से आप ऊपर जाइए। एफर्ट नाउ आई एम एबल टू, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे डिस्कशन दूर तो है ही दिमाग में, अब क्या कुछ ना कुछ तो करना ही है। इंक्वायरी करके पता चलता है इस तरह से। जनाब सेफ है ना ये? सेफ इन द सेंस की मतलब, मैंने बोला सेफ इन द सेंस की ओके है ना, फुल सेफ। मैंने अकेले जाना है वहाँ, साथ में होगा कोई? नहीं अकेले जा सकते हैं। फिर वापस वहाँ रुक के कैसे, किस तरह से आना? उतर जाना बाद में दूसरी में घूम के आ जाना, दूसरी जगह घूम के उतर जाना ना, 10-15 मिनट रुक जाना। हाँ बाद में चलती रहती है, बाद में आपका बैठ के नीचे आ जाना। हाँ ठीक है, हाँ तब ठीक है, ये साथ लेके जाऊँ। लग तो डर ही रहा है। नाउ बैठो, थैंक यू। सो आई एम अलोन, दिस वन इस रॉक से मुझको जाना है। हाउ इट वर्क, देखो भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। देखते हैं कैसे चलता है। एंड स्टार्ट नाउ, हाउ इट गोइंग, इट्स गोइंग टू फास्ट, पीपल आर कमिंग, नाउ आई एम गोइंग एंड इट्स टू गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। वाओ अमेजिंग, यही लाइफ है बिंदास जीने का, मस्त नहा धो के उठने का, सब कुछ करने का, जिंदगी बिंदास जीने का, किसी के पीछे नहीं भागने का, खुद को परफेक्ट बनाओ, दुनिया पीछे आती है। और ऐसे लग रहा है कि मैं हवा में हूँ अभी ना, ऐसे मुझको फील आ रहा है कुछ। और मैंने अभी इतना दूर जाना है ऊपर, सपोज अगर मैं लटक जाऊँ तब क्या होगा मेरा? पैराग्लाइडिंग तो करनी है, लेकिन 3-500 बोल रहे हैं अभी, बजट के हिसाब से तो अलाउ कर नहीं रहा माइंड, लेकिन क्या करे, करना ही पड़ेगा। So you can see how it work. It's too good. Oh wow, it's amazing. आधा जैसा शीशा खुला है उस साइड से, but I'm not able to. So लोग वापिस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से शुरू किया मैंने अपनी जर्नी, नीचे देख सकते हैं आप। एंड नाउ एक्चुअली इसके शीशे थोड़े गंदे जैसे हैं, सो अच्छे से नहीं मैं इसको मतलब कवर अप कर पा रही हूँ, और साइड साइड में गिरी हुई है थोड़ी थोड़ी जैसी बर्फ। मेरा मानना है जिसने जो करना वो कर ही लेता, 700 खुले नहीं थे, और ऑन द स्पॉट बिलीव मेरे बहुत हार्ड है, तो वहाँ पे कुछ खड़े भी थे लोग जिनसे 700 लेके फिर ऐसे ऐसे करके, है ना। ये देखो इतना दूर जाना है मुझको भी, बर्फ तो गिरी है थोड़ी थोड़ी जैसी, वहाँ पर रुक के देन ये भी ठीक है वैसे, खाली जैसा स्टाफ होगा इनका ऊपर। ओह वाओ इट्स टू गुड, बर्फ गिरी है यहाँ पे। ओ मेरे हिस्से में जो बर्फ आई वो सिर्फ इतनी जैसी ही है। टंटना इट्स टू गुड, बस शीशे की कमी है क्योंकि मेरा अच्छे से नहीं है कैमरा का, अच्छे चल नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी गंदा है ना शीशा, ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू कैप्चर द रियल व्यू एंड वट एवर यू नो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड माई फीलिंग। बोला इन्होंने वहाँ पे हमारा स्टाफ खड़ा होगा बहुत आने, मैंने पहला क्वेश्चन यही बोला, सेफ तो है ना, जिंदगी प्यारी है भाई, सीधी सी बात। तो यहाँ से मैं आ रही हूँ नीचे से, एंड यू कैन सी हाउ द ब्यूटीफुल, वापिस तो कोई भी नहीं आ रहा है, चलो मैं ही आऊँगी वापिस भी, पहुँच तो जाऊँ एक बार। कुछ तो तुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी ही खामियाँ, खुद को कभी ब्लेम नहीं करना है।
तेरी खामी थी, तेरी कमी थी, अपना कुछ नहीं था, सीधी सी बात नो बकवास। और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मुझे ऐसे लगा मैं पहुंचने वाली हूँ, बट आई एम नॉट। कैसे कैसे बनाया हुआ ना पूरा सिस्टम ये। सो पैक अ बैग, टेक ए टिकट एंड गेट लॉस्ट, सीधी सी बात। अभी एक इंस्टा की रील बना लेती हूँ, देन कैप्चर करूँगी। निकलने के बाद हम पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे व्यू देखने। नाउ यूज डस्टबिन हार्ट शेप एंड हाउ शी प्लेइंग राइट नाउ। फेंको 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 फेंको, आंटी बोल रही है फेंको। मेरे को भी खुद ऐसे फेंकनी पड़ेगी मुझको लग रहा है। हाउ ब्यूटीफुल, बर्फ देखनी थी भाई लड़की ने बर्फ, तो क्यों ना यहाँ से ऐसे जाऊंगी मैं नीचे, हाथ लगाया जाए, कहाँ से लगाऊं, डर भी लग रहा है, ऊपर ही जाती हूँ अभी। हाउ ब्यूटीफुल व्यू इज राइट नाउ, इट्स टू अमेजिंग, इट्स टू गुड। पैराग्लाइडिंग रहती है अब, लेकिन क्या करूँ, करूँ ना करूँ, पैसा तो है, बीमार हूँ, चलो ये सारे तो बहाने हैं और कुछ नहीं है, भूल गई मनु, जिन्होंने जो करना होता वो कर लेते हैं, तेरी बातें ना, फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। ऐसे बोल दे कि डर रही है और क्या है ना, बर्फ हो गई है का भगवान, बड़ ठंडी हो। ओ मैं तो ठहर गई, यार इस टू ठंडा तो ठहर गई। इनसे आए हम भी रोक से। सो राइट नाउ कुछ इस तरह का व्यू इधर का, यार बहुत ठंडा ठंडा, डर गई मैं तो। नाउ चलते हैं दूसरी साइड, वे टू नीचे जाने के लिए, एंड राइट नाउ हिमाचल कैफे लिमिट। ओ बहुत ज़्यादा बारिश बर्फ गिरी हुई यहाँ पे तो, वाह। इट्स लाइक टका टक टका टक। ओ टू गुड, असल काम ये भी ज्यादा नहीं चल रहा है ना अली, थोड़ा सा दिन से इतने तो नहीं एक्सीडेंट की था जल्दी होंगी ऊपर जी भाषा समझ नहीं आई इनको, कौन सी भाषा बात कर रहे हैं आप? पंजाबी। पंजाबी में कर रहे हैं, अच्छा इधर यही है सारी देखने लायक है ना बस। इसे एकदम खुला खुला है और कुछ नहीं है ना, बस यही है ना। ये कैफे में है कोई इधर? इधर तो बस ये कुछ खाने के लिए मिलते हैं, बस खाने के। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स लाइक टका टक टका टक। तो मेरे हिस्से में आई इतनी सी बर्फ, इतनी सी, इतनी सी। एक्चुअली मैं जूते साफ कर रही हूँ इधर, अच्छा तरीका ना जूते साफ करने का, लेकिन बर्फ ही लग रही है। हाँ साइड में चलता हूँ, साइड में बैक बुला लेंगे घर में और कुछ तो। यहाँ का सारा व्यू लाइट चली गई तो
तो इतनी सी जर्नी थी मेरी, अब देखना मैं हवा हवा में कैसे जाऊंगी वापस। वापस बंद हो जाओ। यस, पैराग्लाइडिंग करूँ ना करूँ, बस भी जाएगी 5 बजे और तो लिफ्ट लेके कैसे ना कैसे पहुंच जाऊंगी मैं। चलो देखते हैं, लेट मी चेक, नीचे तो उतर जाऊँ वो ऐसे बैठती है, उसको कोई पता नहीं कैसे जाएगा हवा में मुझको लेके। ये भी एक प्रकार की पैराग्लाइडिंग ही है तो जनाब, इट्स नॉट बिग डील, एडवेंचर करो लाइफ में, बढ़िया नहीं अकेले घूमो कमाओ फिरो ऐश करो, है ना, घर वालों का साथ दो, साथ लो, उनके साथ रहो, एक पूरे संसार में ब्रह्मांड में अपने माँ बाप अपना परिवार ही काम आता, आई थिंक सो। ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, नॉट ज्ञानी टाइप, सो सोच रही हूँ खड़ी हो जाऊँ, हाउ इट्स लुक लाइक, ओ मैं तड़ा रही, हे शपाक शपाक शपाक, ये बंदे आ रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ, बस इतना डिफरेंस है। नहीं है तो खाली गया एक्चुअली, इसमें कोई नहीं था, पकने को नहीं है ना, नहीं तो बंदा खड़ा होके जाए यहाँ से। बैठिया मनुआ बैठिया, ज़्यादा नहीं, खाली है, जा रहा कोई नहीं जा रहा अब तो। जैसे जैसे नीचे आता ना ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, और इट्स नेसेसरी है, अब क्या करना है ना। ऐसे गए थे हम घूमते हुए, नाउ आई एम बैक, इट्स वापस, मेरा दरवाजा खुलेगा एंड स्कूल भी नहीं नहीं थे ना एग्जिट वहां से, ठीक है तो मैं आगे गलत था, यहीं से आ गई, तो कुछ इस तरह का रहा आज का। तो ये पूरा सोलंग वैली, और ये वाला मैंने अभी कम वापस भी जाना, मनुआ इतने नहीं घूमना आज, ठीक है, चलो पैराग्लाइडिंग करेंगे अपनी साइड, कोई दिक्कत नहीं। ते 11 पॉइंट सोलन स्नो पॉइंट वेलकम। वेलकम पॉइंट, कितना चार्ज लगता है इसका? 100 रुपये का प्लान के लिए 3 बजे, 3:30। हाँ अच्छा, वो आएगा अभी है ना, अभी क्या आपके पास? हाफ करना नॉन वेज ना, वेज करना हाफ, मुझे वेज करना। हाँ बस तो नहीं आएगी ना तब तक, आ जाएगा टाइम क्या हुआ? 3:30 हुए अभी, आने वाला है, चलो कोई देख लेते, आने वाला है।
क्या करना आ रही है। ये क्या देवता वगैरह है कुछ है ना? इट्स मिक्स 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 टाइप ऑल। How he make it? Wow, it's too good. ठीक है, थैंक यू। जब भी आपको जुकाम हो ये खाएं, फीलिंग गुड लाए। मेरा रूम का है लाइफ से। गाइस यही सीखा है कि जब जब अकेले चली हूँ भगवान के दया से ऑल फाइन, एंड रास्ते बनते गए और मैं मंजिल में पहुँचती गई। सो हैव ए आइसक्रीम नाउ। आज मनाली का यहीं ख़त्म होता है। बाय, मिलेंगे कल किसी और जगह।